हाय एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आईएएस माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड दिस इज टू द पॉइंट अभिमन्यू आईएएस ए इज अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 23 थ्री ऑफ एक्सपीरियंस इन यूपीएससी एंड वेरियस पीसीएस एग्जामिनेशंस एंड हैज डिलीवर्ड मोर देन 2200 रिजल्ट्स सिंस 1999 दिस इज टू द पॉइंट और आज टू द पॉइंट के अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन उसको हम समझेंगे कि ये क्या चीज है ग्लोबल वार्मिंग से लगता एक टॉपिक है कि कैसे पोलर रीजन्स के अंदर इट इज एम्पलीफाइड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एम्प्लीफाइड वो क्यों है वो क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे एंड इनकेस यू आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर होलिस्टिकली फॉर मेन्स एंड प्री करंट अफेयर को पूरी तरह सबके लिए आपने कव कवर करना है सो देर इज अ कोर्स दैट इज रनिंग एट अभिमन्यू आई ए एस यहां पर यू कैन चेक इट आउट इट इज बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट एंड यू गेट अ सेवन डे फ्री ट्रायल एज वेल सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन आप जाके देख सकते हैं वहां पे सी फॉर योर सेल्फ कंटेंट क्वालिटी वाइज वाइज एंड आप चेक दी लिंक इट्स इन द डिस्क्रिप्शन अभी हम चलते हैं मूविंग ऑन टू एम्प्लीफिकेशन थोड़ा समझते हैं पहले कि वॉट इज गोइंग ऑन और ये टर्म आपके साथ में कैसे जुड़ा रहेगा प्रीलिम्स तक और प्रॉबेबली इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे हाउ विल दे बी फॉम्ड फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये रिसेंट स्टडीज का कुछ डेटा है और ये फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का डाटा अमेरिकन जियो फिजिकल यूनियन का डाटा है डाटा क्या बोलता है द आर्टिक इज हीटिंग फोर टाइम्स फास्टर देन रेस्ट ऑफ द प्लेनेट तो जो ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है दैट इज चार गुना इट इज फोर एक्स टाइम्स सो ये डाटा इनका भी है एंड सेम डाटा इनके पास यहां पे भी है अमेरिकन जियो फिजिकल यूनियन हाँ ये रहा इंडिकेट दैट आर्टिक एम्प्लीफिकेशन इज फोर टाइम्स द ग्लोबल रेट अगर इसको सोचा जाए एक बार अगर हम ठंडे दिमाग से सोचे तो इट इज इट इज एक्चुअली टू मच द वॉर्मिंग यूरेजियन पार्ट ऑफ द आर्टिक यूरेजियन पार्ट ऑफ द आर्टिक इसको कैसे विजुअलाइज करना है यूरेजियन पहले यूरेजियन पार्ट सोचिए यूरोप और एशिया जहां मिलते हैं उसका आर्टिक पोर्शन यानी कि एक आर्टिक सर्कल बनेगा और उसके अंदर हमने यूरेजियन पार्ट दि... जो है उसको हमने विजुअलाइज करना है और अगर हम वहां पे जाके देखते हैं उसको हम विजुअलाइज करते हैं तो हमें दिखेगा कि वो जो हमारी बैरेंट सी है वो वाला एरिया जो वहां पे आता है मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा लास्ट में मैप uh, वर्क इसमें आज के उसमें थोड़ा रहेगा क्योंकि मैप से जो क्वेश्चन है वो भी यूपीएससी में आते हैं दिस इज बेसिकली कि क्या है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन और आप और मैं इसको भी क्यों पढ़ रहे हैं और इस पर क्यों सवाल पूछा जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सर्फेस है फास्टेंड ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज एट एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज का मतलब यही होता है कि ह्यूमन के इंट्रैक्शन से ह्यूमन के इंटरफेयरेंस से जो चीज पैदा हो रही है उसको एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम बिकॉज वी बिलीव दैट दैट इज द नॉर्मल फॉर अस प्री इंडस्ट्रियल टाइम आफ्टर इंडस्ट्रीज वी हैव रिलीज अलॉट ऑफ कार्बन इन टू द एयर विच वॉज अर्लीयर ट्रैप्ड कर सकते और हमने, मैंने आपको दो इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया चेंज इन दर्फेस एयर टेम्परेचर एंड देशन बैलेंस सर्फेस एयर टेम्परेचर नेट रेडिएशन बैलेंस वो एलबीडो और इंसोलेशन की बात हो रही है यहाँ पे टेंट टू प्रोड्यूस लार्जर चेंजेस कहाँ पे पोल्स पे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स सो so बेसिकली ये जो भूमिका बन रही है अभी जो ये कॉन्टेक्ट बिल्डअप हो रहा है वो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की आपको डेफिनेशन तक जो है ले जाएगा दिस फिन इज नोन दिस फिना इज नोन एज पोलर एम्प्लीफिकेशन दीज चेंजेस आर मोर प्रोनाउंसड एट दर दिन लैटीट्यूड्स एंड आर नोन एज

कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इज मोर प्रोनाउंस देन एंट आर्टिक एम्पलीफिकेशन अगर आपको थोड़ा इसमें डिटेल में पता अभी हम मैप मैप वर्क भी करेंगे साथ में तो ये चीज़ आपके दिमाग में जो है वो पूरी तरह छप जाएगी कि हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं सो दिस स्टेटमेंट तो दिस इज जहाँ पे कि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग से चार गुना ज्यादा इफेक्ट आ रहा है इसको हम जो है पोलर एम्प्लीफिकेशन बोल देते हैं और हमें पता है अब कि ये नॉर्दर्न एटीट्यूड्स में जो है वो ज्यादा है इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया आर्टिक एम्प्लीफिकेशन कॉजेज ऑफ आर्टिक एम्प्लीफिकेशन देखो पहले वाला तो बताने की जरूरत भी नहीं है हमने डिस्कस कर रखा है एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस दिस इज ग्लोबल वार्मिंग सेकेंड इज जिसके ऊपर हम देखेंगे आइस एलबीडो फीडबैक एलबीडो होता है कि हाउ मच लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक और अगर लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो उसका कॉज है सी आइस एंड स्नो हैव हाई एलबीडो मतलब वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं सफेद चीज होती है सफेद चादर है बर्फ की तो वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है इम्प्लाइंग दैट दे आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ दोलर रेडिएशन एज अपोज टू वाटर एंड लैंड दीज है टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब इट एज दी आइस मेल्ट अब देखो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है और हमें पता है कि इट इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वॉट आइस मेल्टिंग एज द आइस

सेकेंड इज ओशन हीट ट्रांसपोर्ट ये बेसिकली ओशन करंट्स की बात कर रहा है कि कैसे जो ओशन करंट्स हैं दे आर लाइक ब्लड इन आर वेन्स इट सर्कुलेट्स हीट अराउंड द प्लान और अगर हम जनरल टर्म्स में देखें हमने एनसीआरटी में भी इसकी स्टेटमेंट देखी है कि जो टेंडेंसी होती है जो पैटर्न है दैट इज कि जो वार्म वाटर है इट ट्रेवल्स फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स एंड कोल्डर वाटर टूवर्ड्स द इक्वेटर आता है तो ये उस चीज को जो है यहां पे बात कर रहे हैं द ओशन ट्रांसपोर्ट्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ हीट अराउंड द प्लेनेट हेल्पिंग टू रेगुलेट रीजनल क्लाइमेट एनहेंस्ड होन ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इन टू आर्टिक इज लिंक टू स्ट्रॉगर फ्यूचर आर्टिक वार्मिंग एंड पोलर पोलर एम्प्लीफिकेशन सिंपल इनफ पॉइंट है, planet, e है थो थोड़ा सा रिलेट करने की देर है दे रेखो तो यहां एक आपको जो है एक बहुत बढ़िया सा साइकिल समझ में आया होगा आइस शीट इज मेल्टिंग उसी की वजह से एल्बिडो भी जो है हमारा कम हो रहा है रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो रही है और वार्मिंग हो रही है वार्मिंग हो रही है तो और ज़्यादा जो आइस है वो मेल्ट हो रही है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा समझाने के लिए आप एक विशेष सर्कल का डायग्राम जो है इमेजिन कर सकते हो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स तो आप अपने हिसाब से ये जो है डायग्राम जरूर यहाँ पे बना लेना और उसी एरिया में आपको ग्रीन लैंड एक आइस शीट भी मिलती है अभी हम जो है मैप में देखेंगे भी कि ग्रीन लैंड किस तरफ है और हम जो बात कर रहे थे अभी यूरेजियन आर्कटिक यूरेजियन एरिया की तो ग्रीनलैंड भी जो है लगभग उस एरिया के थोड़ा बाजू में ही पड़ता है एंड uh, जो आइस शीट है आपको वहां से देखने को मिलेगी होल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस और वो उस एरिया में है एंड इट होल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस आफ्टर एंटार्क्टिका एंड देरफोर इट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग दी लेवल देखो इस स्टेटमेंट से भी अपने आप में जो है एक सवाल बन सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट आइस शील्ड

है ना जो जो वो था अब वो नहीं है तो इसका मतलब उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके सारे कॉम्पोनेंट्स के ऊपर आएगा तो विद योर कॉग्निशन आप कितने भी कॉम्पोनेंट्स में जा सकते हो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स के हिसाब से आ रहा है मेन मेन हम वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चेंजेस इन द नेचर ऑफ वाटर नेचर ऑफ वाटर का मतलब यही है एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर सेलिनिटी लेवल्स चेंज होंगे है ना उस सब की बात है डेथ ऑफ ऑन अगेन ये दोनों चीज़ें आपस में जो है लिंक्ड हैं दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परमाफ्रॉस थॉइंग परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंटली जमी हुई जो वहां पे जो सॉइल है वो परमानेंटली जमी हुई है इट इज़ फ्रोजन थॉइंग का मतलब होता है मेल्टिंग नहीं है उसको हमने जो बाहर रख देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर आपको पता होगा फ्रोजन स्नैक्स आप फ्रीजर में ला के रख देते हो उसके ऊपर लिखा होता है थॉ बिफोर फ्राइंग या वि डू नॉट थो थ्राइंग मतलब ये है कि जब आप उसको निकाल के बाहर रखते हो पैकेट सील्ड बंद में तो वो नॉर्मल अपनी स्टेट पे आ जाता है अभी वो जमा हुआ था है ना तो उसको थॉइंग बोलते हैं परमानेंट फ्रॉस्ट इन दी आर्टिक इज थॉइंग एंड इन टन रिलीजिंग कार्बन एंड मिथेन जो उसमें ऑलरेडी ट्रैप्ड थी अगेन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो बात हो रही है वहां पर हो रही है कि वो पहले जमा हुआ था उसके अंदर जो ट्रैप्ड थी नाउ इट कैन बी इट इज रिलीजिंग विच आर अमंग दी मेजर ग्रीन हाउस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वॉर्मिंग साथ ही जो साइंटिस्ट का मानना है कि सर्टेन बैक्टीरियाज एंड वायरसेस might also गेट released which means न्यू diseases एंड अभी फिजिकल क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर रहा था न्यू डिजीजेस अनलेस एंड अंटिल आप लोग फार्मा कंपनीज नहीं हो आपका नुकसान है इससे मैप वर्क में चलते हैं सबसे पहले वो जो मैं आपको बता रहा था नाउ दिस इज योर यूरेजियन पार्ट ये आपका इधर वाला एशिया है ये वाला यूरोप है यूरेजियन पार्ट आपका ये है और उसने बोला था आर्टिक पोर्शन तो आर्टिक पोर्शन कौन सा है ये देखो ये जा रहा है आपका आर्टिक सर्कल तो दिस वन इस सर्कल की बात हो रही है कि यहां पे सबसे ज्यादा जो है आपके आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का जो है इफेक्ट इस जगह पे आ रहा है ये थोड़ा उसका अप मैप है दैट इज बैरेंट सी जो आपने अभी यहां देखा था ये बैरेंट सी है इसके साथ में जो कंट्री है दैट इज ये वाली रशिया एंड दिस इज फिनलैंड आई आई होप यू आर एबल टू सी दिस इज स्वीडन दिस इज नॉर्वे एंड इसका जो बॉर्डर है ये वहाँ पे बैरेंट सी के साथ जो है वो टच नहीं कर रहा है सिर्फ नॉर्वे का कर रहा है ठीक है ये हमने ध्यान रखना है कि यू कैन नोट इट डाउन बैरेंट सी रीजन जो रीजन कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्वे स्वीडन ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या पूछा गया बैरेंट सी रीजन की बात हो रही है, जहां पे उनका जुड़ रहा है. तो बैरेंट सी के साथ में जिनका कोस्ट जुड़ रहा है वो दो कंट्रीज है दैट इज नॉर्वे एंड रशिया नॉर्वे एंड रशिया थोड़ा क्लोजअप मैप में देखिए आपका यह नॉर्वे ऊपर तक और यह पूरा नीचे से आपको जो है ये पूरा पार्ट ये रशिया का है ये वाला पार्ट भी जो है वो रशिया का है सो बेसिन कंट्रीज जहां पे कोस्ट लगेगा दैट इज नॉर्वे एंड रशिया बाकी जो चार कंट्रीज दैट इज नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड एंड नॉर्थ वेस्ट रशिया और इसकी लोकेशन क्या है आर्कटिक ओशन बैरेंट सी किस में आ रही है ये पूरा जो है बॉडी सी वाटर बॉडी दैट इज आर्टिक ओशन और ये उसका एक पार्ट है बैरेंट सी के साथ में अगेन ब्राउनी पॉइंट हमारे टू द पॉइंट के व्यूअर्स के लिए बैरेंट सी के साथ में कौन कौन सी सीज लगती हैं? वी हैव नॉर्वेजियन सी वी हैव ग्रीनलैंड सी ओशन में तो वो है ही वी हैव कारा सी एंड वी हैव वाइट सी इट इज सराउंडेड बाय दीज सीज तो आप आई थिंक वीडियो में विजिबल नहीं है सो दिस इज एट द बॉटम इज वाइट सी So, नीचे जो है वो वाइट सी है तो इन केस अगर आपका मैप वर्क का क्वेश्चन आता है ये तीनों चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी आती है बैरेंट सी के आसपास कौन कौन सी सीज लगती है और बैरेंट सी कौन से ओशन के अंदर आती है एक क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ का कि प्रम में इस टॉपिक क्या बनेगा

टेम्पटिंग uh, से कितने ऐसे सोने बच्चे बन के है ना कि आपको तो पता ही नहीं है वैसे से ऑप्शन डाल देते हैं नंबर थ्री द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मोर इन द आर्कटिक रीजन द साउंड ऑफ सोलर रेडिएशन कैन बी हर्ड इन द आर्कटिक रीजन तो ये सब बकवास है हमारा आंसर हमें पता है कि ये है दैट इज टू द पॉइंट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू कैन टेक दिस सेवन डे फ्री ट्रायल दैट आई हैव एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यू गेट सेवन डेज फ्री कोर्स चेकआउट द क्वालिटी एंड उसके बाद में यू कैन प्रिपेयर फॉर मेन्स एंड प्री आपके करंट अफेयर के जो uh, सिर पर एक बोझ रहता है टेंशन है वो उतर जाएगा माई नेम इज़ रोहित गर्चा दिस इज अभिमन्यू आई ए एस थैंक्स फॉर वॉचिंग